अब क्योंकि सभी बच्चों का साइज एक चींटी से भी छोटा हो चुका है, जिस कारण इन बच्चों के जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी इस आदमी को बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, बल्कि ये तो रूम की सफाई करने के लिए झाड़ू उठा लेता है, जिससे बचकर सभी बच्चे तेजी से भागने लगते हैं। और जैसे ही झाड़ू इनके पास आती है तो ये सभी किसी तरह उस पर लटक जाते हैं। ये आदमी अपने रूम के कचरे के साथ बच्चों को भी कचरे के बैग में डाल देता है। अब बच्चे किसी तरह उस कचरे के बैग से बाहर निकल जाते हैं, परंतु उनके घर का छोटा सा घास का पार्क उनके लिए अब किसी जंगल की तरह बन गया है। अब सभी बच्चे घास की पत्तियों पर फिसलते व रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे बढ़ते ही इन सभी को एक बहुत बड़े साइज की तितली दिखाई देती है, जिसे डरकर ये बच्चे एक मशरूम के नीचे छिप जाते हैं। रास्ते में इन सभी के आगे एक छोटी सी नदी भी आ जाती है, लेकिन बच्चों को जल्दी पता चल जाता है कि ये कोई नदी नहीं बल्कि इनके डॉग का पेशाब है। अपने डॉग के पेशाब को देखकर उस आदमी का लड़का एक घास की पत्ती पर चढ़ने लगता है, ताकि ये सीटी बजाकर डॉग को अपनी ओर बुला सके। लेकिन एक तेज हवा के झोंके के कारण ये लड़का एक फ्लावर पर गिर जाता है, और उतने में ही वहाँ उस फ्लावर से शहद लेने के लिए एक मधुमक्खी आ जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए उस लड़के का दोस्त भी मधुमक्खी पर कूद जाता है, जिसे होता यह है कि ये मधुमक्खी इन दोनों को एक फाइटर जेट की सवारी करवा देती है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।